बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। परिवारवाद के बहाने एटा की रैली में ये निशाना साधा। यूपी की कई सीटें अखिलेश ने अपने ही परिवार को दे दी। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश जातिवाद करते हैं और परिवारवाद भी करते हैं। उनका बस चलता तो हर सीट से अपने परिवार के ही किसी शख्स को वो चुनाव में उतारते। किसी को कहना चाहता हूं कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़े हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। आखिर परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव को क्यों घेरा जाता है? 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आप खुद समझ जाएंगे। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से प्रत्याशी हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं, अक्षय यादव परिवार के ही सदस्य फिरोजाबाद से प्रत्याशी हैं और आदित्य यादव बदायूं से प्रत्याशी हैं। 6-6 सीट पर एक ही परिवार के तमाम अलग अलग उम्मीदवार। और ऐसे में आरोप अमित शाह ने लगाया कि अगर बस चलता तो परिवारवाद की राह पर चलते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की हर सीट से अपने ही परिवार वालों को उतारते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते।